चाह रहा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजबाला सैनी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से ही हूँ। कहाँ से? मैं जो है ना बहादुरगढ़ की जो है बेटी, वो मामसरा मेरा बहादुरगढ़ है और जसोरगढ़ी की बेटी हूँ मैं। आप ये आंदोलन का साथ, आज आठवां दिन है और अभी तक कोई निर्णय पर हम नहीं पहुँच पाए हैं, आपको क्या लगता है किसानों का हक मिलेगा? ऐसा है जी, देखिए जैसे मोदी जी जो है पूरी टेक्निक से काम करते हैं, इसी तरीके से हमें भी हमारे नेताओं को एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। हमारे नेता चाहे वो युवा यादव किसान हो, चाहे वो माली किसान हो, चाहे वो जाट किसान हो, चाहे वो गुजर किसान हो, चाहे हमारा पंचाल किसान हो, हमारे नेताओं को ऊपर सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी कभी भी जनता को छेड़ते नहीं है। ऊपर प्लानिंग करते हैं और नीचे वालों को परोस देते हैं, ये लो तुम। जब तक हमारे ऊपर वाले बैठे नेता एक नहीं होंगे, आप कितना भी दिल्ली का पानी बंद कर देना, कितना भी दिल्ली का खाना बंद कर देना, पूरे हरियाणा का, जब इनको कहानी नहीं पता होगी तो वो आपके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। तो जब तक हर आदमी को कहानी नहीं पता होगी, मीडिया क्या दिखा रही है कि ये तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पंजाब वाले, तो हमारे लोगों के मन में तो डर बैठा हुआ है, कभी हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं ये जो हमारा धरना है, ये तब तक सक्सेस छोड़कर, स्वार्थ की राजनीति छोड़कर और एक प्लानिंग करके, और फिर जो है सारे अपने लोगों से, ये सारी जनता किसी किसी नेता से जुड़ी हुई है, अगर हमारे ऊपर वाले नेता एक हो जाएंगे तो ये सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी। करोड़ की जनता में से 100 करोड़ जनता सड़कों पे होगी तो ये अपने आप जो है सारी सड़कें भर जाएंगी, कोई कहीं धरना नहीं, सब सारी सड़कों पे धरने होंगे। और मोदी सरकार आपके कदमों में होगी, आपके टीचर्स भी जो हैं, जो हरियाणा में लिए बैठे हैं धरना इतने महीनों से, ये मोदी सरकार है, उखड़ने वाली नहीं है, एक बार इसने कानून बना दिया ये पीछे नहीं हटेगी। अभी तक 4 सत्र की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो 30 संगठन अलग अलग वो मीटिंगें कर रहे हैं, अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाए, आपको क्या लगता है? ऐसा है, ये जब तक स्वार्थ की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक ये मोदी सरकार को पता है कि इनको कब जो है अपना अध्यादेश वापस लेना है, इन्हें पता है अभी हम इनको तोड़ सकते हैं, जब तक इन्हें तोड़ सकते हैं तब तक ये कोई अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, चाहे साल बैठ जाओ चाहे 2 साल बैठ जाओ, दिमाग से काम करना पड़ेगा अब हमें भी, दिमाग से। इन नेताओं को अपने से बाइकाट कर दो, अगर आप एक नहीं होते हो तो अगली बार आपको कोई वोट नहीं मिलेगी, और हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, जब वोट डालने ही नहीं जाएंगे तो ईवीएम मशीन कहाँ से दिखा देगी, जब हम 100 करोड़ जनता वोट डालने ही नहीं जाएगी तो मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्या मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर आज हमारे नेता नहीं माने, हम किसी को वोट नहीं देंगे, और जब हम किसी को वोट नहीं देंगे, हरियाणा के हरियाणा महिलाओं को आप हमसे इस प्रोटेस्ट में अपना सहयोग कर सकती है? देखिए जी, महिलाओं तक तो बात ही नहीं पहुंचती, आपका चैनल कौन देख रहा है? महिलाएं तो देखती हैं जी टीवी, सास बहू की कहानी, ठीक है, महिलाएं देखती हैं। कोरोना में महिलाओं के बच्चे घर में बिठा दिए, उन्हें तब भी चिंता नहीं हो रही, 1 साल हो गया बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, 1 साल हो गया, सारी पढ़ाई वो भूल गए, और उसके बावजूद भी महिलाएं जागरूक नहीं हो रही है, आपके इस 2 साल से बैठने से महिलाएं क्या जागरूक हो जाएंगी? ऐसे कोई नहीं संदेश, या तो घर घर जाओ महिलाओं को जगाने, या अपने नेताओं को एक कर लो। जब तक हमारी महिलाओं को कुछ नहीं पता, उन्हें एक बताया करवा चौथ कब मनाना है, व्रत कब रखना है, पति के लिए अच्छे पति के लिए व्रत कब रखना है, उन्हें यह पता है जो है ना हमको बस सुबह खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, बच्चों को नहलाना धुलाना, इससे ज़्यादा महिलाओं को कुछ नहीं पता। हमारी महिलाओं को राजनीति में आज तक आने ही नहीं दिया, अगर 50% महिलाएं राजनीति में शुरू से होती तो आज आपको बात बात पर धरने नहीं देने पड़ते, सारे अधिकार आपको घर बैठे हुए मिलते। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं, इन्होंने उन चीज़ को पढ़ा है, समझा है, महसूस किया है। आप भी इसी तरह से घर बैठे किसानों का सहयोग कर सकते हैं, महिलाएं जो घर बैठी हैं वो भी अपने काम धंधों को छोड़कर कहीं ना कहीं किसानों को जो प्रोटेस्ट है उसमें अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से, अलग अलग संदेश के माध्यम से सहयोग कर सकती है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ में जल्दी लेट तक नई वीडियो के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।